तुझे शमशान से, कब्रस्तान से? कब्रस्तान से। अच्छा ये नजमा भी के ससुराल वालों ने लाए थे क्या, मायके वालों ने? जल्दी बता, तो दो टुकड़े करता हूँ अभी तेरे, भस्म कर दूंगा। कहाँ? अच्छा, और क्या बोले थे? मार दो बोले थे नजमा बी को। कब मारो बोले थे? अम्मास में, पुन्नम में। पुन्नम में जोर से। कब मारो बोले थे? अम्मास में, पुन्नम में। पुन्नम में। अच्छा कैसा मारो बोले थे? बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करा के, सुसाइड करा के, कैसा? बीमारी। अच्छा गला गला के? बीमारी। अच्छा बीमारी डाल के? अच्छा नजमा बी के शोहर को मारो बोले? नहीं। बच्चों को? नहीं। घर में लड़ाई लगाओ बोले? नहीं बोले। फिर क्या बोले? क्या बोले? हाँ कुछ नहीं, खाली गला के मार दो बोले। हाँ। अच्छा इनके घर की खैरो बरकत कौन उड़ा रहा था? हाँ। तू उड़ा रहा था? हाँ। तुझे कहाँ से पकड़े थे? शमशान से, मसनगट्टी से, कब्रस्तान से? कब्रस्तान से। कौन से गांव का कब्रस्तान था वो? कौन से? कौन से गांव का था? हैदराबाद का था, कहाँ का था, कौन से गांव का था? कहाँ का था? साईं बोल। गुरमीत का था। हाँ? गुरमीत का था। वो तो मेरे घर वाले रह गए, कोई आते ही नहीं। उनके भाई का भी था। अच्छा, जकड़ो उसको तेज के साथ, जकड़ो उसको। कब मारने आता नजमा बी को फाइनल? अब नहीं मारता। अब नहीं मारता? नहीं, मगर बताना पड़ता कब मारने का था। तो अब तेको मारने थोड़ी देते, कमीन के बच्चे, अब तेको पूरा जला के राख करते। तेको जाने दू, छोड़ू इज्जत से क्या? जला दू पूरा, बोल। छोड़ दे। हाँ छोड़ दे, अब नहीं आता। अभी तक कितने लोगों को मारा? सही सही बोल। नहीं, किसको भी नहीं मारा। ये पहला शिकार था क्या? हाँ। किरकिरे मियां बीबी में तूत लगा रहा था क्या? हाँ। अच्छा तू मरे वाला है, जिन्नात है? मरे वाले की नस्ल से है कि जिन्नात की नस्ल से है? मरे वाले इंसान की नस्ल से है कि जिन्नात की है? जिन्नात है। खबरस्तान से लाया वाला जिन्नात है। खून पीरा पीछे से, दांत गड़ा के तेरे दांत तोड़ दूं। अच्छा अच्छा बस कर दे, बस कर दे। क्या कर रहा था? खून पीरा था इसके अंदर से? हाँ, छोड़ देता छोड़ देता। अच्छा इसके बच्ची को भी परेशान कर रहा था क्या तू? नहीं करता। सही बोल, कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। माँ को मारने के बाद बच्ची को पकड़ने वाला था क्या? नहीं नहीं पकड़ता। देखो जो पूछा उसका जवाब दे। हाँ, नहीं पकड़ता। नहीं पकड़ता, तेरा जजमेंट नहीं लिया मैं, तो पकड़ने वाला था क्या वो पूछ रहा हूँ? नहीं पकड़ने वाला था। चल तुम दबा कर, तुम्हारा दबा कर, कमी नहीं ना, तेको मार के भस्म कर दूंगा कैमरा उठा रहे ऊपर। तुम्हारा दबा कर जल्द। खट्टू शमशान उसको खबरस्तान से कहां से पकड़ के लाए थे? वो जो है लगे वाला पिशाच नामक जिन्नात तक, पीछे से दांत गड़ा के खून पीता हो गर्दन में से, खासकर बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को, औरतों को लगाते वो, और वैसे खुद ब खुद नहीं आता, वो ला के लगाना पड़ता शादी करके, तो ज्यादा होता आके लगता हो। और वो लास्ट में क्या करता, वो पहले तो बहुत ज्यादा पेशेंट परेशान करता, फिजिकल भी परेशान करता, मेंटली भी परेशान करता, फिजिकल टच भी करता आके, और बाद में क्या करता, लास्ट में उसको मार के ले जाके साथ में खुद शादी करके उसके साथ रहता। ये बहुत सारे वीडियो में पूछा है भी था मैंने, बहुत सारे था, वैसे किस्म में का ही है, इनको गला गला के खत्म कर रहा था। अब खैर अल्लाह के हुक्म से तो भस्म होना चालू हो जाएगा वो। और दूसरी बात, पानी लो इधर, गिलास गिलास। वो घर में किरकिरियां भी उनके बहुत सारे लगा रहा था, उन्हें नहीं बोला तो क्या होगा? उसके बाद क्या कर रहा था, मियां बीवी में किरकिरियां तो बहुत लगा रहा था उन्हें घर में, कि उनके खैर बरकत भी उड़ा दिया था, किरकिरियां हो रहे थे क्या घर में? हो रहे, और खैर बरकत भी उड़ा दिया हमारा घर में की। फिर उस बात क्या करता, पूरा इनको निचोड़ निचोड़ के इनका खून पी पी के इनको खत्म कर देता, फिर लास्ट में बच्ची की तरफ जाता। वो खास बात रही थी उसकी, खास बात है उसकी, कि पहले माँ को या कोई भी फीमेल को अगर लगे आला है तो उसके बच्चों को बाद में लगता थो, यानी कि वो सिलसिले वार के जैसा लगाते थे, चलते जाता हूँ मार मार के लेके जाते जाता साथ में। खैर मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा अल्लाह, ये सब चीजें हैं तो अल्लाह ने पैदा इनको भी किया, तुमको भी किया, सबको इबादत के लिए किया था, जिन व इंस जितने भी है, सब जिन्नात भी और इंसान भी, मगर ये सब पर अल्लाह का कलाम काबिज है और सब
सबसे बड़ी ताकत अल्लाह कलाम की इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, तो कोई वबा कोई बला तुमको परेशान नहीं कर सकती। और मैंने बहुत सारे दास्तान ऐसे देखा कि घरों में किरकिरियाँ हो रही, झगड़े हो रहे, तो तुम समझो ये घरों में किरकिरियाँ जो झगड़े होते ना, तो ये पेशेंट नहीं करता, ये करता है अंदर बैठ के, ये दास्तान रहती। और लोगों को क्या लगता, हमारा बच्चा पागल होगा, हमारा बच्चा हमको लड़ रहा, हमारा बच्चा हमको मार रहा, हमारी माँ हमको मार रही, मियाँ बीबी एक दूसरे को लड़ रहे, ये कोई नहीं लड़ते, लड़ाते ही ऐसे ये चीज़ें आकर। ये सब चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो। कोई दुनिया वाले तो तुमको ये सब चीज़ों से महफूज नहीं रख सकते हो, जगह जगह तो अल्लाह ने उसके वलिया ने बिठाले, बहुत गिने चुने रहते वली अल्लाह, कुतुब अब्दाल अलिया, इनके हाथों में निज़ाम देके चलाता अल्लाह, कुछ ज़मीन पे नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ज़मीन पे कैसे आएंगा, ज़मीन और आसमान और गैलेक्सियों की कोई औकात नहीं अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करने की। ये 2% के गैलेक्सियाँ सूरज की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो रब्बुल आलमीन के नूर को क्या बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए वो नहीं आता, वो अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज़ पहुँचाता, चुन कर बंदों को। और फैज़ मिलता सिर्फ और सिर्फ कलाम इलाही से, कलाम पढ़ने वाली जबान से, कलाम से जिक्र करने वाले लोगों से, अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन और आले रसूल औलाद अली दुनिया को फैज़ पहुँचाते। बाकी फैज़ तुम जादूगर के पास जाकर सोचेंगे फैज़ दे दे, तो कहाँ से लेंगे उसका, फैज़ मिल ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात है ना। सम एग्जाम्पल, अगर मिसाल के तौर पर किसी का हाथ कट गया है, तो वो डॉक्टर के पास काका मारने जाएगा ना, काटने वाले दूसरे डाकू के पास जाकर थोड़ी बोलेगा अरे चोर है, उचक्के है डाकू, वो डाकू ने काटा मेरे हाथ को, तू भी जरा, वो चोर ने बस्तरा मार के फाड़ दिया, तू सी दे, नहीं सी सकता ना, डॉक्टर की ड्यूटी है सीना, और उसका तजुर्बा है सीना, चोर फाड़ देगा कोई भी फाड़ेगा। तो वैसा तुम्हारे को कोई भी जादूगर से सहमत मिलेंगी, तो जादूगर के पास जाने से जादू नहीं कटेगा, अल्लाह वालों के पास जाने से कटेगा। जैसा डॉक्टर तुमको टाके मार के सी देता तुम्हारे जिस्म को, वैसा जादूगर के घावों को सी देने वाले अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन रहते। तो ये सब राज बहुत गहरे हैं, कोई ना जान पाया, बहुत राज है गहरे, तुमको क्या पता चलेगा। तुमको सिर्फ इतना उस सारे बातों का कंक्लूजन ये है कि बात की रस्सी को मजबूती से थामना, तुम ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। और मैं क्या बयान करूँ, मैंने क्या नहीं देखा मामला, किसी के भैंस का दूध उड़ा दे रहे जादू करके, उसी से पहले वो आया था तो उसकी भैंस 15 लीटर दूध देती थी, 15-15 लीटर वाले भैंसों को एक एक गिलास दूध पर कर दी, सिर्फ एक एक गिलास दूध पर, कितनी कमाल की बात। हर चीज पर जादू टोना होता, जानवर पर होता, खेत पे होता, घर पे होता, इंसान पे होता, हर हर चीज पे होता, मैंने देखा था, बोलते पता, मैंने प्रैक्टिकल में बताया कि बहुत सारे दास्तान है। तो इसलिए तुम नहीं जान सकते, मैं जितना जाना, इसलिए बेहतर है इबादत की रस्सी मजबूती से थामो, और बुजुर्गान दीन वली अल्लाह को कभी बुरा मत बोलो, आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला का तुमको वाजिब है उनका एहतराम करना, फर्ज भी बोले तो चलेगा, एहतराम करना उनका करना ही पड़ता तुमको, अगर तुम नहीं करेंगे तो तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम्हारा अल्लाह ना जब नाराज हो जाएगा, हमारा रब हमसे कहाँ जाएंगे, किधर भागेंगे, किसकी पनाह में जाएंगे, कौन तुमको पनाह देगा। शद्दाद नमरूद फिरौन हामान दुनिया पे हुकूमत चलती थी, अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दिया था, मनमानिया करे कुदई तावरे करे, क्या आलम हुआ, भागने की जगह नहीं मिली। तो ऐसा करता रहो, कयामत तक आजाब सहते रहो, और अल्लाह महदूद कयामत के बाद भी आजाब सहते रहो। चंद लम्हा की बादशाहत में घमंड में ऐसे मुबतला हो गए थे, और मुबतला होकर गिने नहीं सब बातों को, पैगंबरों की बातों को, वली अल्लाह के पैगंबरों के फरमानों को ठुकरा दिया, अल्लाह उसके रसूल के फरमानों तक पहुंचे तो उसको ठुकराए, बाद में क्या आलम हुआ, क्या दिया अल्लाह, उरूज देता पहले, उरूज देता देता देता, और बाद में क्या बोलते, इतना खतरनाक जवाल ला लेता, इतने खतरनाक जवाल में घिरता, फिर आजाब में बच के भागना भी मुश्किल हो जाता। कैसा उरूज दिया था फिरौन शद्दाद हमाद नमरूद को, ये सब शैतानों को, उनके समान बादशाह लोग थे कमबख्ता, बाद में कैसा आजाब में घिरा इनको। इसलिए ऐसे हरकतें मत करो, उनके पटरियों पे मत चलो, उनकी राह मत पकड़ो, राह सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो, अल्लाह वाले बनो, तो महफूज रहेंगे सब बातों से, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। और सबके बस की बात नहीं रहती, जादू टोना हटा देना, शैतान को निकाल देना, पकड़ के पूछा देना, और उनके आंग पे इससे पहले सिर्फ आंग में मुंगे आए थे, उनको कहा लेके गए थे रुखैया कराने, हाजिर नहीं हुआ, सवाल जवाब नहीं हुआ, यहाँ पकड़ा मैंने, यहाँ पूछाया, अभी नाम भी पूछाता था, सब पूछाता था, मगर नाम आगे पूछूंगा, क्योंकि पहले राउंड में नामा पूछाने से कई को अपन इलाज करने बैठे, इतना फैलाने की थोड़ी, एक दूसरे को लड़ाया लगाने को थोड़ी बैठे, शर थोड़ी फैलाने को बैठे। तो इसलिए बेहतर है कि मैं जो बातें बोलता हूँ ना, ये मैं मेरे तजुर्बे से बोलता हूँ, कोई कहानी और कोई किस्से पढ़ के नहीं सुनाता हूँ तुम्हारा, तजुर्बेकार शख्स दुनिया में बहुत कम है, और जादू टोने के मामला में तजुर्बेकार तो है जिन्हें गिने चुने मिलेंगे तुमको, जो जादू टोनों की और अमल अमलियात की दुनिया को बहुत गहराई से जानने वाले उस्ताद दुनिया में बहुत कम है, और अल्लाह ने चुने वाले उस्ताद तो बहुत ही कम है, वो तो और
तो यहाँ गुरु बिना ज्ञान नहीं बोलते ना लोग, गुरु बिना ज्ञान नहीं, कोई उस्ताद नहीं है मेरा, ये सब अल्लाह ने सिखा वाला है। मैं पढ़ के डॉक्टर बना था, मैं पढ़ के वकील बना था, मगर अल्लाह ने ये निजाम खुद बहुत सिखा के मुझे ये बनाया। विरासत में बोलते ना कि देता अल्लाह वैसा, कि औलाद आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से बरोबर काम लेता, हर दौर में काम लिया, इमाम हसन इमाम हुसैन की नस्लों से आज भी काम ले रहा। देखो मैं पढ़ के डॉक्टर बना, पढ़ के वकील बना, मगर मेरे को अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए कैसा बना के, कैसा चुना के, कैसा निकाला फिर। तो ऐसी बात रहती, मैं मेरे कभी जिंदगी में मैंने कोई जिन्नात पकड़ने के लिए वजीफे नहीं करा, कभी मैंने जिंदगी में कोई चुड़ैल दावे में लेने के लिए नहीं करा, मैंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की अतात में, उनकी खुशी में और उनकी रजा के लिए इबादत करा था, 14-14, 15-15 घंटे बैठ के। तो वो इबादत अल्लाह और उसके रसूल के लिए करा था मैंने, अल्लाह तेरे लिए, तेरे रसूल के लिए, राह सिरातुल मुस्तकीम की राह पर। तो इबादत इबादत की वजह से फिर अल्लाह ने ऐसे दर्जात दिया, फिर ऐसे मकामात दिया कि शैतान और जिन्नात थर थर कांपते। पूरी जिंदगी लगा के जादूगर एक जिन्नात को ताबे में लेता, एक शैतान को ताबे में लेता, वो उसका गरूर, उसका फकर और उसका घमंड रहता, और यहाँ पे उसका घमंड और उसका फकर, उसका गरूर एक मिनट में चकनाचूर कर देते उसकी जिंदगी भर का घमंड और गरूर को, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम की ताकत है और ये अल्लाह ने दिया जबान का तासीर है, बाकी कोई जादूगरों की किन की हैसियत नहीं। इसलिए तुम भी इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से बांधो, सब मामलात में महफूज रहेंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। दीन और हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो, दीन कोई आसानी से तुम्हारे तक नहीं पहुंचा। क्या कुर्बानियां दी सहाबा इकराम ने, क्या कुर्बानियां दी अल्लाह के वलियों ने, जरा पढ़ो तारीख तुमको पता चलेगा। इतने कुर्बानियां दे के आसानी से तुम्हारे तक दीन ला के पहुंचाएगा उन्होंने, इतने कुर्बानियां दिया उन्होंने, उनके कुर्बानियों को समझो और वो समझ के दीन और हदीस की रस्सी को मजबूती से थाम के आओ। और अल्लाह और उसके रसूल कि रस्सी को ऐसी मजबूती से थामो कि 4 दिन की जिंदगी में ऐसा मत कर दो कहीं तुमसे शिर्क हो जाए, कहीं तुमसे बिद्दत हो जाए। शिर्क और ये बिद्दत तो भी तुमको माफ कर दिया जाएगा, शिर्क तो माफी से नहीं ना, बुत परस्ती ये सब कर देंगे अगर गलती से भी, इसको बताने उसको बताने, किसको मत बताओ, अल्लाह को बताओ, कट्टर ईमान तुम्हारा, कट्टर इबादत तुम्हारी, अल्लाह को बताओ। और तुमको जो मांगना है तहज्जुद में उठ के मांगो अल्लाह से, कोई जालिम बादशाह अगर तुमको जुल्म दे रहा तो अल्लाह को बोलो, फना कर देता, हलाक कर देता, गर्क कर देता उसको, ऐसी वबाओं में घेर लेता कि मैं बोलने वालों को बचने नहीं देता। कैसा आया था कोरोना, इंसानियत को भूल गए थे, गरीबों पे जुल्म कर रहे थे, मुसलमानों पे जुल्म, मस्जिदों पे जुल्म, फिर कैसा आया था कोरोना, कैसी मार पड़ी, कैसा आजाब इलाही था वो, उसको आजाब इलाही बोलते, पकड़ में आया कि क्या चीज थी, नहीं पकड़ में आया, कोई बंद था कि उसकी दवा नहीं, बाद में फिर कैसा, कैसे कोई भी वबा में घेर लेता अल्लाह, ये अल्लाह की खास बात है, तुम्हारा ढील देता देता, और बाद में तुम अगर ज्यादा जुल्म कर रहे इससे ज्यादा तुम्हारा आजाबों में घेर लेता, और आजाबों में घेर के फिर गर्क कर देता, हलाक कर देता। इसलिए अल्लाह की पनाहों में रहो, अल्लाह से पनाह मांगो और इंसानियत से मोहब्बत करो। ये हिंदू वो मुसलमान वो सिख ये ईसाई ऐसा मत करो, इंसान इंसान है, चाहे इंसानियत की बात आ रही, तुम सब इंसान है, और हर धर्म के अंदर ये सिखाया वाला है, और हर दीन और हर धर्म के अंदर कि इंसान की कदर करो, इंसान की इज्जत करो, इंसानियत को देखो जरा समझो, इतने भी मैपने में मत खो जाओ। मैं बोल दिया ना कि शद्दाद और फिरौन नमरूद हामान इनके जैसी हुकूमत तो तुम सोच भी नहीं सकते कोई दुनिया के अंदर इस दौर में, कैसी हुकूमत दिया था अल्लाह ने, रियल बादशाह जिसको बोलते हैं वैसे बनाया था उनको, मगर कैसा मारा फिर बाद में, तरसा तरसा के, फिर सारे दास्तान है, पढ़ो पता चलेगा, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। चलो ठीक है, रोक दो।